अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैफ हूं। मेरा नाम वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके व्हाट्सएप का कोई बैकअप नहीं है और आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपका जो बैकअप जो आपने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस का बैकअप जो अपने गूगल ड्राइव पर लिया हुआ है वो अगर आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस को रिकवर नहीं कर रहा तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इन दोनों वीडियोज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो व्हाट्सएप बैकअप है जो गूगल ड्राइव पर है या व्हाट्सएप के मैसेजेस जो आपने डिलीट कर दिए हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा वे या कोई भी ऐसा मेथड ना रहे जिसकी मदद से वो रिकवर हो पाए। अगर आप उनको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका गूगल ड्राइव पर बैकअप पड़ा हुआ है वो रिकवर ना हो, उस बैकअप को अगर आपने परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में ड्राइव नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी। आप इसको ओपन कीजिएगा और इसके लेफ्ट टॉप पे आपको 3 लाइंस मिलेंगी, उस पर क्लिक कीजिएगा और लास्ट में आपको एक बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 2 से 3 बैकअप के व्हाट्सएप बैकअप के जो फाइल्स आपको नजर आएंगे आप उनको वहां से डिलीट कर दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो बैकअप आपका गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है व्हाट्सएप का वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मैसेजेस रिकवर ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप फोल्डर में जाना है, वहां पर आपको डेटाबेस का फोल्डर मिलेगा। फिर उस व्हाट्सएप के डेटाबेस फोल्डर को आप डिलीट कर दीजिएगा तो यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं रहेगा कि आपके जो मैसेजेस है उनको रिकवर कर सके कोई। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।